हमें दिल्ली जाने से रोकने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। प्रदेश सचिव अफरोज आलम हूँ, आप हमारे जिलाध्यक्ष फूलचंद मौर्य जी हैं। आज किसान महासभा और देश के 500 किसान संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर जो लाखों किसान 26-27 तारीख को दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे, उनको जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार ने और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मोदी सरकार ने उन किसानों को दिल्ली जाने से रोका, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो किसान दिल्ली जा रहे थे ये कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, ये इसी देश के नागरिक हैं और उन्हीं का कमाया हुआ, उन्हीं का पैदा किया हुआ अन्न मोदी जी और खट्टर सरकार के लोग भी खाते हैं। उन किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए। हम अभी भी तुरंत ये मांग करते हैं कि सारे बैरिकेड हटाए जाएं और उनको दिल्ली जाने दिया जाए। जिन लोगों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार किया है उनको रिहा किया जाए। किसानों की मांग है कि आपने जो 3 कानून बनाए हैं, आप कह रहे हैं आमदनी दुगनी होगी, आइए जरा उत्तर प्रदेश में आइए, रायबरेली में देखिए MSP आप कह रहे हैं मिल रही है, यहाँ 10 रुपए में धान बेचा जा रहा है, यहाँ MSP नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है मोदी जी, आप यहाँ MSP नहीं दिला पा रहे हैं, आप हरियाणा में नहीं दिला पा रहे हैं। MSP कागज में कहने से नहीं होगा, हम किसानों का कहना है आप उन कानूनों में संशोधन करिए, MSP की गारंटी लिखिए उसमें, MSP से कम पर फसल खरीद पर रोक लगाने का कानून लाइए, किसानों की फसल को और किसानों की जमीन को कंपनियों के हवाले करने के वो जो 3 कानून हैं उन्हें आप रद्द करिए। हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए। अगर कंपनियां आएंगी किसानी करने तो इस देश का किसान क्या करेगा जो आज तक किसानी कर रहा है? वो अपने खेतों में घास छीलने का मजदूर बनेगा? वो किन सड़कों में जाएगा? कौन से कल कारखाने तुमने उसके लिए खोल दिए हैं? जो पहले से कल कारखानों में थे, मंदी ने उनको भी घर वापस भेज दिया है, और आज आप किसानों को जो है जमीन को कह रहे हैं कंपनियों को दे देंगे, किसान कहाँ जाएंगे? ये कॉरपोरेट परस्त कानून रद्द करिए। आज पूरे देश के अंदर रायबरेली में और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं हमारे घरों में कनेक्शन काटे जा रहे हैं किसानों के यहाँ। मोदी सरकार ने कहा था घर घर उजाला, बिजली के कनेक्शन दिए उन्होंने और फ्री कनेक्शन, फ्री कनेक्शन। आज वो मोदी जी के फ्री कनेक्शन वाले बिजली कनेक्शनों की बिलों की वसूली में 20,000, 30,000, 40,000 के बकाए में किसानों के कनेक्शन कट रहे हैं और उनसे कह रहे हैं जमीन बेच के लाओ और आप बिजली का कनेक्शन दो। बिजली कनेक्शन देने के लिए जमीन बेचे किसान और 10 रुपए में फसल बेच के आत्महत्या करे किसान, ये किसानों को जमीन और खेती को कंपनी के हवाले और किसानों को आत्महत्या करने के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का किसान कह रहा है हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। आज हम लोगों ने बड़ा विकास भवन में किसान पंचायत की और उसके बाद ये हजारों किसान यहाँ जिलाधिकारी दफ्तर में आए हैं। हम इनसे पूछने आए हैं कि MSP की बात आप यहाँ रायबरेली में लागू करिए, DM साहब यहाँ निर्देश जारी करें कि MSP मिले। और रायबरेली में एक और खेल चल रहा किसानों के साथ, हम वो कानून पूछना चाहते हैं, वो आदेश किसने दिया पूछना चाहते हैं जिलाधिकारी से, जिसके तहत सरकारी कांटों में सिर्फ मंसूरी धान खरीदा जा रहा है, बाकी कोई धान रायबरेली में नहीं खरीदा जा रहा। हम उस आदेश को भी जानना चाहते हैं DM साहब, वो आदेश किसने दिया हमें ये बताइए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो अभी तो जो दिल्ली में सड़कों पे बैठे हुए किसान हैं वो कह रहे हैं कि हम महीनों का राशन पानी लेके आए हैं, हम वहाँ बैठेंगे और दिल्ली में जब तक किसान आंदोलन चलेगा पूरे देश में किसान लड़ेंगे, रायबरेली में भी हम लोग भिन्न भिन्न रूप लेके इस किसान आंदोलन को यहाँ बढ़ाएंगे, ये बात हम कह रहे हैं।